चलो भाई पढ़ाई शुरू करें। लास्ट क्लास में मैंने डाटाबेस से एक ऑपरेशन आप सबको परफॉर्म करके दिखा दिया था, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने ऑनलाइन वालों को देख ही गया हूँगा, हाँ दिख जाऊंगा। लास्ट क्लास में सिर्फ हमने एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था और डाटाबेस से डेटा रिट्रीव करके ले आए थे, सारे स्टेप आपको समझा दिए थे, कोड में आज आपको दे ही दूंगा सारा का सारा। प्लस अब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आज पूरे के पूरे कर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके और फिर अपने जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। तो ओरेकल खोल लेते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ओरेकल खोलना सिखाया था, अगर आपको याद हो, हमने एसक्यूएल प्रॉम्प्ट खोला था, इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया किसी ने ओरेकल? हो गया बेटा, चलो गुड, चला लिया था अपनी तरफ से ही, वो जो कोड मैंने दिया था उसको देख के। क्या बात, दिल खुश किया तुमने आज। अगर तुम ऐसी मेहनत करने लगो तो देखो तुम छक्का ना लगवाया तुम्हें मैंने। ओरेकल डाटाबेस एक तरीका तो वो था बेटा हमारे पास। अब जो है ना ओरेकल 10G जब से वर्जन आया था, ओरेकल अब इन्होंने पूरी तरह से वेब बेस्ड भी बना दिया है। पहले क्या होता था, मैंने ओरेकल सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, मैं ओरेकल सर्वर का एडमिन हूँ, तो मुझे जो भी काम करना पड़ता था सेम सिस्टम पे बैठ के, क्योंकि वहीं खुलता था एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, टेबल गेट करना, परमिशन करना, व्यू देना, यूजर्स बनाना, डाटाबेस बनाना, मैं एडमिन हूँ, ये सारे काम तो मैं करूंगा ही करूंगा। यूजर तो अपना क्वेरी लिखेगा, आप लोग तो प्रोग्रामर तो क्वेरी लिखता है सिंपल। सो मुझे उसी सिस्टम पे बैठना पड़ता था। अब ओरेकल सर्वर हो गया वेब बेस्ड, आप सेम सिस्टम से कर सकते हो। अब मैं एडमिन हूँ, मैं अमेरिका बैठा हुआ हूँ, मेरा सर्वर यूएस में कहीं और चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, और मेरे को अब एडमिन हूँ सर्वर पे कुछ काम करना है, तो मैं अपने ब्राउजर से लॉग इन करके अपने सर्वर पे सारा काम वेब बेस्ड भी कर सकता हूँ। और ओरेकल का जो सर्वर है बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पे चलता है 8080 पर, जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। अब मैं वेब बेस्ड भी आपको ओरेकल को एक्सेस करना सिखा देता हूँ, और वो इन्होंने पूरा का पूरा हमारा जीयूआई बेस्ड बना दिया। और जीयूआई बेस्ड बनाने का मतलब यह है कि अब आपको क्वेरी लिखने की कोई, वो सारा काम जीयूआई बेस्ड है, वो सारा का सारा काम कैसा है, जीयूआई बेस्ड है पूरी तरह से, ठीक है। जरा देखो, आप ओरेकल 10G खोलोगे, यहां पे आ रहा है गो टू डाटाबेस होम पेज, जस्ट ओपन इट। यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा आपका, मैंने याद करा रखा है ब्राउजर को, सिस्टम एन MCSX आपके सामने दिया हुआ है बेटा, एंड से लॉग इन, खुल गया, ठीक है। अगर आप इसके एडमिन में जाते हो, अब सब लोग इसी को यूज करते हैं, जीयूआई बेस्ड है ना, नहीं तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाके भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, वहां सारी एसक्यूएल कमांड्स आपको याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पर ये सब करना नहीं है, सब कुछ जीयूआई बेस्ड है, चलती पीछे एसक्यूएल क्वेरी है, चलती पीछे एसक्यूएल क्वेरी ही है। नाउ सी, एडमिन में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे डेटाबेस यूजर्स दो बना रखे हैं मैंने, उसी के अंदर ही अपने जो 10G नाम का डाटाबेस बाई डिफॉल्ट बनता है, बाई डिफॉल्ट ये मैंने HP बना रखा है, HRB सिस्टम तो है ही। अगर आप नया यूजर बनाना चाहते हो तो नया भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी मैं यूजर्स के बारे में बात की थी, और अगर यहाँ से क्रिएट करना चाहो तो एक नया यूजर, तो नया यूजर बनाने का फायदा क्या होता है, जैसे अभी सिस्टम और MCA में काम कर रहा हूँ तो मेरी सारी टेबल उसके अंदर जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको HP में या HR में लॉग इन कर लूँ तो फिर मेरी सारी टेबल उसमें जाएंगी, टेबल सेपरेट हो जाती है। टेबल हमारी नया यूजर बनाने थे, उसको एक नया एरिया एलोकेट हो जाता है जो डाटाबेस ओरेकल हमारा प्रोवाइड करा देता है। तो अभी तो सिस्टम है सारी कॉमन जा रही है, कल को मैं प्रोजेक्ट वाइज बनाऊंगा तो क्या करेंगे, हम अपना नया यूजर बनाएंगे, उससे लॉगिन करेंगे तो सारी टेबल उस प्रोजेक्ट की उसी में बनती चली जाती है, ये हमें फायदा हो जाता है। तो नया यूजर बनाना है कर सकते हैं, एक बना देता हूँ, क्रिएट यूजर का नाम टाइप कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, कोई भी एक नया यूजर बनाना चाहो, मैंने नाम दे दिया लेट से ORACLE ओरेकल डेमो कर देते हैं, ठीक है। ये तो यूजर नेम हो गया, पासवर्ड दे देते हैं, याद रहे यही दे देते हैं, ORACLEDEMO डेमो, ठीक है। अब परमिशन दे दो इसे सारी DBA वाली, यहाँ कर दो चेक ऑल, सारे काम कर सकता है, एंड देन से क्रिएट, सेव भी करा देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा क्रिएट, ओ ये रह गया ORACLEDEMO से क्रिएट, बाकी सब चेक्ड है ही, आ गया कोड यूजर। अब मैं अगर यहां से लॉग आउट करना चाहूं, ये रहा लॉग आउट ऑप्शन, बाहर आ गया, मैं दोबारा से लॉग इन करूँ, आ रहा है यूजर नेम से याद तो करा ही दिया था मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इसे एंड से लॉग इन आ गया।
अब अगर मैं इसमें टेबल देखना चाहता हूं, ब्राउज टेबल, देर इज नो टेबल, नया स्पेस है कि नहीं, है ना। अब आपकी सारी टेबल, अब मैं अगर यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर दूं अपने प्रोग्राम में बेटा, तो क्या होगा, सारी टेबल इसमें बननी शुरू। अभी बाइट फॉर किसमें जा रही है, सिस्टम और यूजर के अंदर। तो आप ऐसे अपना खुद का एक नया यूजर बना के उसमें अपनी सारी टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहां से भी। तो यहां से फिर से लॉग आउट कर दें, फिर से लॉग इन करें, किसमें चले जाएं, अपने सिस्टम के अंदर, से लॉग इन, ऑब्जेक्ट, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करो, व्यू करो, सीक्वेंस बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, फंक्शन बनाओ, ट्रिगर बनाओ, सब कुछ यहां से बनाया जा सकता है। सिर्फ नाम देने होंगे, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करके आपको दे देगा। फिलहाल ब्राउज करना है तो ब्राउज कर लो, से टेबल, आ गई सारी टेबल। आपने देखा भी होगा हमारी टेबल थी EMP 101, मैंने बना रखी थी, ये आ गई यहाँ पे। डबल क्लिक किया बेटे, ये इसके फील्ड दिखा रहा है, कितने सारे ऑप्शन है। नया फील्ड ऐड करना हो, किसी फील्ड को मॉडिफाई करना हो, रीनेम करना हो, ड्रॉप करना हो, रेम, कॉपी, ड्रॉप, ट्रंकेट, सारे काम कर सकते हैं। डेटा देखना हो तो डेटा, और टेबल ही ड्रॉप करनी है तो पूरी टेबल यहाँ से खत्म हो जाएगी। टेबल को कॉपी करना है तो कॉपी हो जाएगी। सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। डेटा देखना है तो ये रहे सारे रिकॉर्ड, ठीक है। नई रो इंसर्ट करनी हो तो, नया कोई काउंट रो करना हो तो, क्वेरी चलानी हो तो, सारे काम कर सकते हैं। तसल्ली से आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने डाटाबेस पे यहाँ से सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। तो आप SQL प्रॉम्प्ट कम ही यूज करते हैं, मैंने वो भी आपको सिखा दिया है, वहां से भी कर सकते हो और वेब बेस से भी अब आप कर सकते हो, नया यूजर्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। चले अपने प्रोग्राम चलाएं। अब मैं आपको लास्ट टाइम डाटाबेस के पास लेके गया था, तो अगर आपको याद होगा हमने पहले ड्राइवर क्लास को लोड किया था, फिर पता है अंदर की कहानी क्या थी, फिर हमने उससे क्या बनाया था, एक कनेक्शन भी बनाया था, है ना। आज मैं आपको दूसरे तरीके से डेटाबेस के पास लेके जाता हूँ, ठीक है ना। उसी अभी फिलहाल मैं अभी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, लेकिन इस बार मैं सारा डेटा उठाऊंगा। चलो अब देखो, मैं फिर से अपनी टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं सारा डेटा उठाने जा रहा हूं कहां से, प्रॉपर्टीज फाइल से। याद होगा कलेक्शन, याद आया, अब कलेक्शन का फायदा उठाते हैं। मैंने कहा था जो भी चीज हम अपने प्रोजेक्ट में हार्ड कोड करना नहीं चाहते, फिक्स करना नहीं चाहते, वो इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू भेज देते हैं, डॉट प्रॉपर्टीज के फाइल। अभी आपने देखा मैंने जावा का जो प्रोग्राम लास्ट टाइम चलाया था, सॉरी इंसर्ट वाला नहीं था, डेट वॉज रिट्रीव, ये वाला चलाया था मैंने, ये चलाया था, है या नहीं, ड्राइवर क्लास लोड की थी। अब मुझे डाटाबेस चेंज करना है, अभी मैं तुम्हें MySQL भी सिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें PostgreSQL एक और नया डाटाबेस जो आजकल कंपनी में बहुत यूज हो रहा है वो भी अभी सिखाता हूँ, सेटअप देख के इंस्टॉल करके, उसकी भी कहानी। URL और यही तो चेंज करना है, दो ही लाइनें तो चेंज करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोट्स में हार्ड कोड कर दिया तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं MySQL का करना चाहता हूँ तो MySQL पे जाऊँगा, PostgreSQL का करना चाहता हूँ तो फिर चेंज करूँ तो कंपाइल करूँगा, फिर तो मेरी सारी डिपेंडेंसी जो इस क्लास जिस जगह यूज हो रही होगी सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर है ये जो बेटा URL है और साथ साथ ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, दिस इज URL, दिस इज ड्राइवर नेम, ये हम कहाँ से उठा लें, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से, और जब भी चेंज करना हो दैट्स इट। तो हमें अपनी डॉट जावा को तो छूने की भी जरूरत, ऐसे ही करते हैं हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसे ही सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाते हैं, हम सब डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से उठाते हैं। इवन मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ थोड़ा सा, अभी मैं एक बैच में अपने स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा हूँ और आजकल सारा काम स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे ही होता है। सो अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ छोटी सी चीज, आज मैं सुबह ही उन्हें पोस्टग्रे डाटाबेस SQL पढ़ा रहा था, ये देखो इस पूरे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, बनी हुई है डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, बना हुआ डाटाबेस की स्प्रिंग डॉट डेटा URL, ये वही URL डाटाबेस का जो आप देते हो, डाटाबेस का नाम ये पोस्टग्रे का दे रखा है, ये URL अभी हम तुम्हें JDBC में भी सिखाऊंगा, मैं अभी पोस्टग्रे डाटाबेस भी कराऊंगा आपको, MySQL भी कराऊंगा, MongoDB मैंने करा दिया है और एकल तुम्हें पढ़ा ही रहा हूं मैं अभी। सो ये देखो कहां से उठा रहा हूं, डाटाबेस का नाम, यूजर नेम ये रहा, पासवर्ड, ये सब डॉट प्रॉपर्टी फाइल से उठा रहा पूरे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेस में क्या यूज की जाती है। मैं सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूं डॉट प्रॉपर्टी फाइल के लिए कि पूरे डेवलपमेंट में जो भी डेटा हार्ड कोड करना नहीं पड़ता उसे सबको उठा के कहां से लाते हैं, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से। आ रही है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक है जनाब। देखो यही मैं सिखाने जा रहा हूं,
अब स्प्रिंग बूट तो ये अपने आप पढ़ लेता, उसने तो इतना आसान काम कर दिया हमें कुछ करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जेडीबीसी में मुझे खुद ये काम करना पड़ेगा, फिलहाल जेडीबीसी में मुझे ये खुद काम करना पड़ेगा। स्प्रिंग बूट ने तो बहुत ही आसान कर दिया ये काम, तो मैं सिर्फ ये खोल के दिखा रहा हूं कि देखो कैसे पूरे प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के क्या चलता है। सिर्फ डॉट प्रॉपर्टीज फाइल आपके सामने बनी हुई है, दिख रही है। सो अब यही काम मैं करने जा रहा हूं। सी हम चलते हैं टेस्ट रिट्रीव, और ये देखो क्या बनाई मैंने अपनी खुद की, ये तो दूसरी फाइल है, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल खोलनी थी मुझे, डीबी डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये की जो मर्जी दे दो, और ये उसकी वैल्यू दे दी ओरेकल ड्राइवर, URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और हम इसे अपना प्रॉपर्टीज क्लास की हेल्प से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैं करने जा रहा हूं अपने अगले प्रोग्राम के अंदर। आ जाओ टेस्ट रिट्रीव टू में, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सिखाया था कलेक्शन में जिस भी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करना होता उसका यहाँ पे नाम दे दिया बेटा मैंने अच्छे से। उसके बाद क्या बनाया और उसका मेथड लोड पढ़ा चुका हूं, फाइल इनपुट स्ट्रीम दे दो, और फिर प्रॉपर्टी क्लास का क्या मेथड है, आ गया ड्राइवर, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, और ये सब मैंने इसमें यूज कर लिया। ये लोड कर दी ड्राइवर क्लास, ये दे दिया URL, यूजर नेम एंड, और बाकी तो क्वेरी तुम जानते ही हो सारी। अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी मुझे डाटाबेस चेंज करना है सो मुझे अपनी डॉट जावा को छूने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या यूज करूंगा मैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी आ गया हमारे पास, चलो जरा चलाते हैं इसे टेस्ट रिट्रीव टू को, से कॉपी, आ गया डेटा फिर से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं अपनी तरफ से, अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अभी तक क्या किया मैंने सिर्फ, हाँ अब एक इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट रिकॉर्ड करने का मतलब ये हुआ कि मैं जो क्वेरी चलाने वाला हूँ वो एक्शन क्वेरी चलेगी, अभी तक सेलेक्ट क्वेरी चल रही थी, और उसके लिए मुझे दिया गया है स्टेटमेंट का अगला मेथड। अभी तक तो एग्जीक्यूट क्वेरी चला रहे थे, अब हम चलाएंगे स्टेटमेंट का अगला मेथड, वो होगा एग्जीक्यूट अपडेट, क्या होगा वो, और उसके अंदर मुझे अपनी इंसर्ट क्वेरी पास करनी होती है। इसका रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। तो पहले मैं समझाता हूं कि हम एग्जीक्यूट अपडेट चलाते कैसे हैं, कैसे काम करेंगे। ओहो मैंने सेटिंग खोल दिया, विंडोज पे आ जरा वापस, व्हाइट बोर्ड पे जा, या हमारा बोर्ड सी, मैं क्वेरी चला रहा हूं इंटीजर एक्स, मेरे पास स्टेटमेंट का मेथड है, स्टेटमेंट हमें निकालना आता है, कनेक्शन का मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। सो एग्जीक्यूट अपडेट, ये क्वेरी चलानी होती है बेटा, और इसके अंदर मैं अपनी इंसर्ट क्वेरी चलाता हूं। कैसे चलाऊंगा, डबल कोट्स में इंसर्ट इनटू मेरी टेबल का नाम ईएमपी नीचे लिख रहा हूं, वैल्यूज, और अगर आपकी वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो सिंगल कोट्स में जाती है, हमेशा याद रखना। तो सिंगल कोट्स में दे दिया हमने लालू, मान लिया उसकी सैलरी इंटीजर है तो 101, ये क्वेरी दे दी, डबल कोट्स बंद करा और ये दे दी, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेरी चलेगी और ये रिकॉर्ड हमारे जावा के प्रोग्राम के थ्रू जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। कोई शक आ रही है मेरी बात समझ में, लेकिन इस क्वेरी में एक छोटी सी गड़बड़ है, वो ये बेटे जब जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा हर बार आपको नहीं लगता लालू अंकल ही जाएंगे, हर बार आपको नहीं लगता 101 ही जाएगा, ये तो हार्ड कोड हो गया डेटा, ये डेटा तो बेटा जी हार्ड कोड हो गया। मैं चाहता हूँ बेटा यहाँ पर लालू की जगह एक वेरिएबल आ जाए, यूजर से डेटा लूंगा तो वेरिएबल में आएगा,
जीयूआई के थ्रू लूंगा तो भी किसी ना किसी वेरिएबल में ही आएगा मेरे पास, और साथ साथ ये वाली भी, इसमें भी क्या आ जाए, इसमें भी क्या आ जाए मेरे पास 101 की जगह किसी वेरिएबल का नाम। तो यूजर का जो भी नाम आए, यूजर की जो भी सैलरी आए, वो इसमें आ जाए। तो मैं इसे हार्ड कोड करना नहीं चाहता। मेरे पास मान लेता हूं वेरिएबल है एक नेम नाम का, उसके अंदर कोई नाम पड़ा है, और एक है मेरे पास सैलरी नाम का और उसके अंदर कोई सैलरी मैंने यूजर से ले ली है। अब ये वैल्यू यहां डालना चाहता हूं, तो यहां यूज करना पड़ता है हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कैसे करेंगे, मैं यही क्वेरी दोबारा लिखता हूं, स्टेटमेंट का मेथड एग्जीक्यूट अपडेट, क्वेरी दो बेटा इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज ब्रैकेट, और ये सिंगल कोट्स देख रहे हो, ये आ गया सिंगल कोट्स। मगर इसके आगे की वैल्यू वेरिएबल से चाहिए, लालू तो मुझे वेरिएबल से चाहिए ना। अब यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ये मैंने पहली स्ट्रिंग यही बंद कर दी, डबल कोट्स लगा दिया, बंद हो गई, प्लस वेरिएबल का नाम दे दिया नेम, तो नेम की वैल्यू सिंगल कोट्स के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब मुझे चाहिए सिंगल कोट्स एंड कॉमा, तो फिर से मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली, ये सिंगल कोट्स बंद कर दिया और ये कॉमा लगा दिया। अब अगर मेरे पास अगली भी स्ट्रिंग होती तो उसका भी सिंगल कोट शुरू कर देता, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं नेम कहां से उठ के आ जाएगा, वहां से, ये सिंगल कोट्स हो गया और ये उसका सिंगल कोट्स बंद, और ये मेरा पास क्या आ गया, कॉमा आ गया। उसके बाद वैल्यू क्या चाहिए, ये वाली प्लस, ये वैल्यू किससे चाहिए, सैलरी से, सैलरी आ गई। अब सैलरी के आगे मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर से प्लस लगाया, ये ब्रैकेट दिया, डबल कोट्स बंद और ये सेमी कॉलन। ऐसा हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो वेरिएबल, अब नेम में जो वैल्यू आएगी वो इंसर्ट हो जाएगी, सैलरी में जो वैल्यू आएगी वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम होता है, हमें कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता है। अब ये चलाते हैं जरा अपना वहां पे अच्छे से इसको। अब मैं आपको एक और तरीके से लेके जाऊंगा डाटाबेस के पास, मैं चार तरीके से पेयर बनाऊंगा। अभी हमने यूज किया था क्लास डॉट फॉर नेम और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये दो यूज किए थे। अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ जाते हैं, गॉट इट, चलो देखें, चलें शिफ्ट कर दूं, विंडोज पे चलते हैं, दिखाता हूं ये क्वेरी कैसे काम करेगी, चेक करो। मैंने आपसे कहा था क्लास डॉट फॉर नेम है, क्लास लोड होती है बेटा, स्टैटिक ब्लॉक चलता है जिसके अंदर से ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड चलाया जाता है। मुझे ये मालूम था फॉर नेम करने से ये अंदर से कमांड चलती है, तो मैंने कहा क्यों ना क्लास डॉट फॉर नेम को मैं बाईपास ही कर दूं और डायरेक्ट रजिस्टर ड्राइवर वाली कमांड खुद कर दूं, ये साबित करने के लिए कि इसके अंदर से यही कमांड चलती है। अबे यार ये फिर गायब हो गया, आ जा भाई ऐसे नकल ना दिखा, विंडोज पे चलते हैं, दिखाता हूँ ये क्वेरी कैसे। तो अब ये देखो, देखा ड्राइवर मैनेजर का क्या, मैंने आपसे कहा था क्लास डॉट फॉर नेम है और न्यू क्लास लोड होती है बेटा। अब आपकी आंखों के सामने ड्राइवर मैनेजर के पास ड्राइवर क्लास का ऑप्शन गया कि नहीं गया, रजिस्टर ड्राइवर, तो वो इसके गेट कनेक्शन से अपना कनेक्ट मालूम था फॉर नेम करने से ये अंदर से कमांड चलती है, तो मैंने कहा आसानी से जो फॉर नेम को मैं बाईपास ही कर दूं और डायरेक्ट रजिस्टर ड्राइवर वाली कमांड खुद कर दूं, ये साबित करने के लिए कि इसके अंदर से, अब तो क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। और देख लो मैंने क्लास डॉट फॉर नेम को बाईपास कर दिया है क्योंकि मुझे पता था उसके अंदर से क्या कमांड चलती है। ड्राइवर मैनेजर का क्या, अब मैंने आपसे कहा था क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू क्लास लोड और मेरे दोनों स्ट्रिंग आपकी आंखों के सामने ड्राइवर मैनेजर के पास ड्राइवर क्लास का ऑपर में आके नहीं गया रजिस्टर ड्राइवर गेट कनेक्शन से अपना मुझे मालूम था फॉर नेम करने से ये अंदर से कमांड चल गई है, तो मैंने कहा आसानी से जो फॉर नेम को मैं बाईपास ही कर दूं और डायरेक्ट रजिस्टर ड्राइवर वाली कमांड खुद कर दूं, ये साबित करने के लिए कि इसके अंदर आ गया, तो क्लियर हो गई ये डबल कोट शुरू हो गया, मैंने क्लास डॉट फॉर नेम को बाईपास कर दिया, फिर कॉमा, फिर अगला सिंगल कोट्स दिया था विंडोज के
अंदर से क्या सिंगल कोड उसकी वैल्यू ड्राइवर कोड बंद हुआ और ये ब्रैकेट और न्यू खुला दोनों चलो देखो अब हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल ईएमपी 55, ठीक है, नेम और आईडी चेक कर लेते हैं ईएमपी 55 पहले से है या नहीं। ईएमपी 55 देखो टेबल पहले से है, ड्रॉप कर देते हैं, कर दें इसे ड्रॉप यहां से तो फ्रेश बन जाएगी, फिनिश, रिफ्रेश कर दिया, चेक करते हैं ईएमपी 55 देयर इज नो टेबल। अब अगर ये क्रिएट होगी तो हमारे प्रोग्राम से, तो हैंड टू हैंड अपने प्रोग्राम से एक रिकॉर्ड टेबल भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो शायद ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से प्रोग्राम रिपीट कर देते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पिछले वाला प्रोग्राम भी मैं बता देता हूं। पिछले वाले में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, सिंपल पिछले वाले में सिर्फ हमने क्या किया था, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, लेकिन अब इस नए वाले में मैं क्या करने जा रहा हूं, रिकॉर्ड तो इंसर्ट करूंगा बट टेबल भी हैंड टू हैंड क्रिएट करने जा रहा हूं, टेबल भी हैंड टू हैंड क्रिएट करने जा रहा हूं। तो एक नई टेबल बनाएंगे अपने जावा के प्रोग्राम से ही और फिर हम उसे इंसर्ट करेंगे और वही मैंने कॉन्कैटनेशन यूज किया हुआ है। देखो ये रहा सिंगल कोट्स पहला वाला, फिर डबल कोट से बंद कर दिया मैंने उसे, फिर मेरा वेरिएबल आ गया, उसके बाद फिर डबल कोट्स, ये सिंगल कोट्स पहले वाला बंद हुआ, उसके बाद क्या चाहिए था कॉमा, उसके बाद ये डबल कोट्स। अब अगली वाली वैल्यू क्योंकि इंटीजर है तो नेक्स्ट की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है।
ठीक है, ये देखिए साहब, तो अब पहले तो एक टेबल क्रिएट होगी ईएमपी 55 और उसके बाद कहीं जाके ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और साथ साथ फिर हमने सेलेक्ट क्वेरी लगा दी है और अच्छे से ये प्रिंट हो भी जाएगा। ठीक है, अब हमारे ही प्रोग्राम से एक नई टेबल भी क्रिएट होगी, हैंड टू हैंड रिकॉर्ड इंसर्ट भी होगा और प्रिंट भी हो जाएगा। गॉट इट? चलो देखें जरा, टेस्ट इंसर्ट वन, आ गया एक रिकॉर्ड, जाके डाटाबेस में जाके चेक करें, रिफ्रेश करें। विवेक उधर बात कर लो प्लीज। आ गया एक रिकॉर्ड भी, आ गया फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो एक नई टेबल बना ली, रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर लिया, कॉन्कैटनेशन भी सिखा दिया। अब एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी तक मैं दो पेयर से आपको लेके गया, पहला क्लास डॉट फॉर नेम और उसके बाद ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। सेकंड वाले पेयर में फॉर नेम को बाईपास कर दिया। अब मैं ये दोनों स्टेप ही बाईपास कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज क्लास डॉट फॉर नेम एज वेल एज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, दोनों को बाईपास कर दूंगा। कैसे करूंगा? इन दोनों के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, दूसरे स्टेप में अंदर से ड्राइवर क्लास के ऑब्जेक्ट पे कनेक्ट मेथड चल रहा है। तो मैंने ओरेकल ड्राइवर का खुद ही ऑब्जेक्ट बना दिया और खुद ही कनेक्ट मेथड चला दिया, तो मुझे गेट कनेक्शन की कोई यस। अगर आप किसी से पूछो कि डाटाबेस से कनेक्टिविटी करके दिखाओ और ये दो स्टेप मत लिखो, क्लास डॉट फॉर नेम एंड ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, तुम्हारे पांव धोके पिएगा भाई साहब, इसके बगैर कैसे होगा? क्योंकि ये काम वही कर सकता है जिसे अंदर की कमांड्स मालूम होंगी। आपको हर जगह यही दो लाइन मिलेंगी हर प्रोग्राम में, क्लास डॉट फॉर नेम एंड ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हर जगह आपको यही लाइंस मिलेंगी। ठीक है, देखो जरा, हम करते हैं अपडेट। सी, किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं? बना रहा हूं ओरेकल ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट, सिंपल, गॉट इट। और चाइल्ड का रेफरेंस पापा में रख रहा हूं, कहा था इसका पेरेंट कौन है, ड्राइवर क्लास है। और उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बना लिया, एक प्रॉपर्टीज क्लास का। हमारे पास जावा की बड़ी प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है यूजर, पुट कर दिया वैल्यू, प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी, पासवर्ड, ये भी मैं कलेक्शन में सारी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, ये भी सारी कलेक्शन में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। और ये MC दे दिया। फिर ये देखो, सीधा कनेक्ट चला रहा हूँ, क्या मैंने कोई गेट कनेक्शन चलाया, पूरा URL दे दिया। अब ये कनेक्ट हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है प्रॉपर्टीज क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, पास कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, गेट कनेक्शन भी जब हमसे यूजर नेम पासवर्ड लेता है तो अंदर से एक प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तब वो कनेक्ट में उसे पास करता है। तो तीसरा पेयर हो गया, नो क्लास डॉट फॉर नेम और नो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और देख रहे हो, कनेक्ट से सीधा सी आ रहा है और इसी सी को गेट कनेक्शन रिटर्न कर देता है, इसी सी को गेट कनेक्शन रिटर्न। फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट निकाल लिया, नाउ अपडेट ईएमपी सेट पासवर्ड की वैल्यू जेड, कॉन्कैटनेशन कर दिया, जेड में वैल्यू क्या है, ODQ7, वेयर नेम इज इक्वल टू T4 में वैल्यू क्या है, कॉन्कैटनेशन कर दिया। और 1004 वाला रिकॉर्ड अभी हमने इंसर्ट किया है, 1004 वाला रिकॉर्ड अभी हमने इंसर्ट किया है। और ये अपडेट होगा, कितने रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, एक आ जाएगा, फिर सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे, सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे, फिर सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो जरा रन करके देखें, टेस्ट अपडेट। चलो टेस्ट अपडेट बच्चों, तो तीसरा पेयर यूज कर रहा हूं मैं डाटाबेस के पास जाने के लिए। ODQ7 हो गया, नीचे देखो डाटाबेस में चेक करना चाहो वहां भी चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश EMP 10 P गया, नहीं बेटा 101 ही था, ये देखो बेटा आ गया, नीचे चेंज हो गया फर्स्ट क्लास। ठीक है,
अब एक रिकॉर्ड डिलीट कर लें, कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे फर्स्ट क्लास। डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से भी तुम्हें फेच करके दिखा दिया, वो काम भी करके दिखा दिया मैंने, नई टेबल भी बना के दिखा दी है, ठीक है। अब एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, चलते हैं टेस्ट डिलीट की तरफ। अब ये देखो सिस्टम क्लास सेट प्रॉपर्टी, फिर से जावा की एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी जेबीबीसी डॉट ड्राइवर्स। चौथा तरीका ले जा रहा हूं, चौथा पेयर है डाटाबेस के पास जाने का, फिर से ड्राइवर क्लास का नाम दे दिया, इससे ड्राइवर क्लास लोड हो जाएगी। लोड हो जाएगी तो आप जानते हो ड्राइवर मैनेजर के पास इसका ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। और फिर से देखो क्या बनाया, प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट। नाउ सी द ब्यूटी, आप देख सकते हैं अब मैं ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक मेथड यूज कर रहा हूं, क्या गेट कनेक्शन यूज कर रहा हूं, जिसमें यूआरएल दे दिया, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट कौन सा है? इसका मतलब इससे क्या साबित होता है? अगर गेट कनेक्शन मुझसे प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट ले रहा है, मतलब गेट कनेक्शन ओवरलोडेड हो गया। पिछले वाले गेट कनेक्शन में क्या था, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसमें क्या है यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड किस फॉर्म में जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, प्रॉपर्टीज क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहे हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से? इससे ये साबित हो रहा है कि अंदर से कनेक्ट चल रहा है, क्योंकि कनेक्ट में ही तो जाता है प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट। इससे ये साबित हो रहा है अंदर से क्या चल रहा है, कनेक्ट। आ रही है मेरी बात समझ में? यही मैं कह रहा था आपको, अब तो पूरी तरह से साबित करके दिखा दिया कि पहले स्टेप में क्या होता है और दूसरे स्टेप में। अब कनेक्शन आ गया, अब की बार 1004 रिकॉर्ड अभी हमने डाला था, क्वेरी चलाते हैं एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर, डिलीट फ्रॉम ईएमपी 101 वेयर नेम इज इक्वल टू दिस वन। एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे, जो हमने इंसर्ट किया था वो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखें जरा टेस्ट डिलीट। गया, गायब हो गया, डाटा बेस में भी जाके चेक कर लें, रिफ्रेश कर लें। ईएमपी 101 गायब हो गया यहाँ से भी, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जरा, तो ये तो रहा था हमारा फोल्डर, अब ये प्रोग्राम मैं तुम्हें दे देता हूँ। जेडीबीसी में चलते हैं और यहां मैंने बना रखा है जेडीबीसी प्रोग्राम 1, और यहां पे होगा देखो कहीं करके, कौन से ऑपरेशन है हमारे पास, ओरेकल कर्ड, यही पढ़ा आज हमने से कॉपी, और इसे हमने तुम्हारी दुकान में जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट, ठीक है जनाब। चलिए, और ये मैं भी आपको दे दूंगा फिलहाल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाली पीपीटी थोड़ी सी ब्लर हो सकती है, चलो कोई बात नहीं, देखना। सुनो, आप हमने सेलेक्ट क्वेरी लगाई, रिजल्ट सेट आ गया हमारे पास, आ गया। ये जो रिजल्ट सेट है ये बाय डिफॉल्ट होता है फॉरवर्ड ओनली। अब आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड आए हैं तो नेक्स्ट 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 करके आप आगे भाग रहे हैं, मुझे किसी पीछे वाले रिकॉर्ड पे जाना हो तो क्या करूं? अब क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड ओनली है, रिजल्ट सेट कैसा है बाय डिफॉल्ट, मतलब आइटरेटर का भाई है, आइटरेटर का भाई है, आइटरेटर भी क्या करता था कलेक्शन में आगे भागता था, मुझे तो दोनों डायरेक्शन में मूव करना है, मुझे चाहिए लिस्ट आइटरेटर वाली फंक्शनैलिटी, समझ में आया? लिस्ट आइटरेटर क्या करता था, किसी भी कलेक्शन में आपको दोनों डायरेक्शन में मूव करवा देता था, इज इट क्लियर? और मुझे क्या चाहिए, लिस्ट आइटरेटर वाला काम, यानी कि मैं चाहता हूं मेरी सेलेक्ट क्वेरी से जो रिजल्ट सेट आए वो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड ओनली होता है, और हम उसे बेटा बना सकते हैं स्क्रॉलेबल। अगर मैं
अपने रिजल्ट सेट को स्क्रॉलेबल बना दूं तो नाउ वी कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन इन अ रिजल्ट सेट। अब कैसे बनाएंगे फॉरवर्ड ओनली सॉरी स्क्रॉलेबल ये मैं बताता हूँ, लेकिन जब ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा बेटा तो रिजल्ट सेट का जैसे नेक्स्ट मेथड है वैसे प्रीवियस भी है। प्रीवियस अभी काम नहीं करेगा क्योंकि रिजल्ट सेट बाय डिफॉल्ट कैसा है हमारे पास फॉरवर्ड ओनली है, लेकिन अगर मैं इसे स्क्रॉलेबल बना दूंगा तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा बेटे, ये जो रिजल्ट सेट आता है बाई डिफॉल्ट होता है रीड ओनली। मेरा जावा का प्रोग्राम इस रिजल्ट सेट के अंदर से रिकॉर्ड को रीड कर सकता है, लेकिन हमारे रिजल्ट सेट में कुछ ऐसे मेथड भी हैं जो कि इस रिजल्ट सेट के अंदर जाके रिकॉर्ड को चेंज करें और वो जाके डाटाबेस में चेंज कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको एक डाटा डायग्राम के थ्रू समझाऊं अपने, ये देखो जरा बेटा, ये डाटाबेस है उसके अंदर एक टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं बेटे। ये रिकॉर्ड पे आपने सेलेक्ट क्वेरी लगाई तो ये बफर आपके पास आ गया स्ट्रीम, ये रिकॉर्ड यहाँ आ गए बेटे। ऐसे ही होता है, सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, ये मेरी डाटाबेस की टेबल हो गई, डेटाबेस टेबल, और ये जावा का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आपने क्या सेंड करी इसके पास, सेलेक्ट क्वेरी, ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट सेट, और इसका रेफरेंस किसके पास आ गया जावा के पास। तो हम इस रेफरेंस आईडी से इसके अंदर से रिकॉर्ड निकालते रहते हैं, यही कर रहे थे ना अभी तक। मैं चाहूं तो अब इसी रिजल्ट सेट के कुछ मेथड हैं अपने प्रोग्राम से इन रिकॉर्ड में कुछ अपडेशन भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा रिजल्ट सेट बाय डिफॉल्ट कैसा रीड ओनली है तो कोई फायदा नहीं ये अपडेशन डाटाबेस में जाके अपडेट नहीं होंगे। यहां तो कर सकता हूं, इसमें तो कर सकता हूं जो जावा के पास डिब्बा रिजल्ट सेट का, मगर वो वहां नहीं होंगे। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से? ठीक है जनाब। नाउ अगर मैं अपना रिजल्ट सेट बना दूं कैसा अपडेट एबल, तो फिर मैं रिजल्ट सेट के मेथड यूज करके यहां जो भी अपडेशन करूंगा वो ऑटोमेटिकली जाके डाटाबेस में अपडेट हो जाता है। लेकिन उसको करने से पहले मुझे रिजल्ट सेट को अपडेट एबल बनाना पड़ता है। सो मैं अब आपको सिखा रहा हूं हाउ टू मेक योर रिजल्ट सेट स्क्रॉलेबल एज वेल एज अपडेट एबल। फिर ये मैं प्रोग्राम चला के देखते हैं, जब ये बना लेंगे दोनों डायरेक्शन में मूव भी करते हैं और रिजल्ट सेट के थ्रू डाटाबेस में अपडेट भी कर लेते हैं अच्छे से। बात समझ में आई? चलिए देखें बेटा, आ गए इधर। नाउ देखें जरा रिजल्ट सेट, ये रहा। ये थोड़ी सी पीपीटी हो सकता है बेटा, ब्लर हो, ये वाली होती है बस, बाकी और नहीं होगी। किसने कर रखा लॉगिन वैसे? नहीं कर रखा, चलो कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से देखो, नीचे आके सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, हम कनेक्शन का मेथड यूज करते थे अभी तक, क्रिएट स्टेटमेंट। आ गई मेरी बात समझ में? अब मैं सोच रहा हूं पीपीटी में दिक्कत आ रही है, सो चलो मैं बाद में ही कर दूं, अभी टाइम लगेगा। मैं इसे नोटपैड पे टाइप करके ना पेंट ब्रश पे अच्छे से बना दूंगा तो फिर पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फिलहाल सुनो, फिर मैं टाइम ज्यादा लग जाएगा, पहले मैं पढ़ा दूं। तो क्रिएट स्टेटमेंट मेथड है, ये ओवरलोडेड है। ये अभी तक हमने क्रिएट स्टेटमेंट पढ़ा था बिना किसी आर्गुमेंट का, अब हम पढ़ेंगे एक और क्रिएट स्टेटमेंट जिसमें दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट जाते हैं, दो, पहला भी इंटीजर दूसरा भी इंटीजर। अब दोनों इंटीजर पास करने के लिए हमें क्या करेंगे, रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर तीन स्टैटिक कांस्टेंट है। ऊपर वाला देखो, रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर सेंसिटिव, दूसरा है रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव, तीसरा है टाइप अंडरस्कोर फॉरवर्ड अंडरस्कोर ओनली। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? तो आप पहले वाले आर्गुमेंट में इन तीनों में से कोई एक पास कर दो, चाहे सेंसिटिव चाहे इनसेंसिटिव, और बाय डिफॉल्ट तो है ही कौन सा, फॉरवर्ड ओनली है। सेंसिटिव और इनसेंसिटिव दोनों में से कोई एक पास करोगे, आपका रिजल्ट सेट ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल हो जाएगा।
तो फिर डिफरेंस आएगा बिटवीन अ सेंसिटिव एंड नेचुरली आएगा, अभी समझा देता हूँ बेटा अच्छे से, ठीक है। बट दोनों से ही आप कैसा बना सकते हो, तो पहला वाला जो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है इट इज यूज्ड टू मेक योर रिजल्ट सेट स्क्रॉलेबल। तो इन तीनों में से कोई एक, मेरा डायग्राम भी देख रहे हो, इन तीनों में से कोई एक। फिर आता है दूसरा इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट, इसका काम है अपडेटेबल बनाना। इसके लिए भी कॉन्स्टेंट है हमारे पास रिजल्ट सेट के अंदर, कॉनकर अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर ओनली, कॉनकर अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर ओनली। और बाय डिफॉल्ट बेटे यही है, बाय डिफॉल्ट यही है। फिर कॉनकर अंडरस्कोर अपडेटेबल दे दोगे तो वो, तो सेकंड आर्गुमेंट में इन दोनों में से कोई एक, सेकंड आर्गुमेंट में इन दोनों में से कोई एक, और फर्स्ट में उन तीनों में से कोई एक पास कर दो। इससे रिजल्ट सेट कैसा बन जाएगा, स्क्रॉलेबल भी एंड अपडेटेबल भी। जरा करो फिर मैं डिफरेंस समझाता हूं दोनों में। अब चलते हैं रिजल्ट सेट के पास। अच्छा पहले डिफरेंस तो बता दो दोनों में, सी दोनों में डिफरेंस देखो। मान लिया बेटा ये हमारी डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है, और इसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक। ये मेरी पहली जावा की एप्लीकेशन हो गई और इसने इसके पास एक सेलेक्ट क्वेरी फायर करी, ठीक है, इससे इसको रिजल्ट सेट मिल गया, मिल गया 10 रिकॉर्ड इसके पास आ गए बेटा अच्छे से। नाउ ये मेरी दूसरी जावा की एप्लीकेशन है और आपका डाटाबेस सर्वर है, सर्वर तो डिस्ट्रीब्यूटर है, हजारों लोग एक साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली एप्लीकेशन ने सेम टेबल पे एक डिलीट क्वेरी फायर करी और उसने 5 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया ओरिजिनल डाटाबेस में से, मगर इनकी एक कॉपी किसके पास है, पहली वाली एप्लीकेशन के पास भी। अगर पहली वाली एप्लीकेशन का रिजल्ट सेट है सेंसिटिव, अगर पहली वाली एप्लीकेशन का रिजल्ट सेट है कैसा सेंसिटिव, तो ऑटोमेटिकली 5 रिकॉर्ड डाटाबेस से डिलीट होंगे और जो ओपन रिजल्ट सेट है उसमें से भी गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका रिजल्ट सेट है इनसेंसिटिव तो इनकी एक कॉपी वहां जाएगी और इनमें चेंज करने पर ओरिजिनल में कोई चेंज, तो अगर आप चाहते हैं इफ somebody is doing any changes in a database that will be reflected automatically in a already opened result set जो पहले से खुला हुआ है, then keep your result set as a sensitive। और आप चाहते हैं नहीं database में change हो but जो मेरे पास result set है उसमें कोई अपडेशन ना हो, then keep your result set insensitive। अभी लिखवा भी देता हूं मैं इसे अच्छे से, आगे बात समझ में, difference समझ में आ गया, मगर स्क्रॉलेबल दोनों से बनेगा, स्क्रॉलेबल दोनों से अच्छे से बन जाता है बेटा। इज इट क्लियर, चलो देखें बेटा। चलिए देखिए जरा, आप हमने थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी, स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब देखो एक और क्रिएट स्टेटमेंट है, इस बार 3 आर्गुमेंट है, पहला था विदाउट एनी आर्गुमेंट, दूसरे में 2 आर्गुमेंट और तीसरे में 3। पहला कौन सा है, फॉरवर्ड ओनली जो बाय डिफॉल्ट है, फिर रीड ओनली जो बाय डिफॉल्ट है, तीसरा एक और आ गया क्लोज कर्सर ओवर कमिट, इसे मैं अभी समझाता हूँ। ऐसी बेटा ये क्रिएट स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद मैं इसका अभी आपको एक चाइल्ड इंटरफेस पढ़ाऊंगा, प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, उससे भी रिजल्ट सेट निकालेंगे, स्टेटमेंट से भी रिजल्ट सेट आएगा, और जब मैं प्रीपेड स्टेटमेंट से रिजल्ट सेट निकालूंगा तो उसको भी सेंसिटिव स्क्रॉलेबल बनाना चाहूंगा, तो उसके लिए मेथड है देखो फिर से कनेक्शन का, ये पढ़ाऊंगा घबराना मत, सिर्फ लिखा है मैंने, इससे ऑब्जेक्ट भी किसका मिलेगा और इसमें भी पास कर सकता हूं तीनों आर्गुमेंट। आ गई बात समझ में, अब अ रिजल्ट सेट कैन बी ऑफ सर्टेन टाइप, द टाइप डिटरमाइंस सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी ऑफ द रिजल्ट सेट। और हो सकता है इसमें से कोई डाटाबेस कोई टाइप सपोर्ट करे और हो सकता है इनमें से कोई डाटाबेस कोई टाइप सब कोई टाइप सपोर्ट है। मैंने कहा था जेडीबीसी का पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन वेरी करता है डाटाबेस टू डाटाबेस, देखो इसलिए लिखा भी है नॉट ऑल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय
all the databases and JDBC driver. You will have to check your database and JDBC driver to see if support the type you want to use. Take the database metadata naam ka ek interface hai. Uska method hai support result set type. और वो टाइप वाला कांस्टेंट पास कर दो और ये बता देगा उसे कि ये सपोर्ट करता भी है या नीचे मैंने चलाया भी है. मेथड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द गिवन टाइप इज सपोर्टेड और नॉट. अब क्या करेंगे हम, ये प्रैक्टिस भी करेंगे. कनेक्शन इंटरफेस का मेथड है गेट मेटा, जिससे एक और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आया डेटाबेस, और आप जानते हैं इंटरफेस नहीं, उसको इंप्लीमेंट करने वाली क्लास मेरे बच्चों. और फिर डेटाबेस मेथड का क्या यूज किया, कौन सा वाला पास कर दिया. तो अगर ये इसको सपोर्ट करता है ना, अब चाहे मैं ओरेकल पे चलाऊं, पोस्टग्रे पे चलाऊं या मोंगोडीबी पे चलाऊं, तो क्या दे देगा ये, ट्रू, और नहीं करता तो फॉल्स. अब आ गया, देयर आर थ्री रिजल्ट्स राइट, कौन कौन से, दूसरा तीसरा. अब दोनों में डिफरेंस, तीनों की एक्सप्लेनेशन. द डिफॉल्ट टाइप इज फॉरवर्ड ओनली. तो फॉरवर्ड ओनली मीन्स दैट रिजल्ट सेट कैन ओनली बी नेविगेटेड फॉरवर्ड. दैट is you can only move from 1 to 2, 2 to 3, etc. You cannot move backwards. Yehi padhaya. Agle wa mein aao. Sensitive mein aao. Sensitive, insensitive hai pehla, sorry. Insensitive means the result set can be navigated, scrolled both forward and bilkul sahi. You can also jump to a position relating to a current position or jump to an absolute position. Iska matlab samjho beta. Jab aapne scrollable bana diya, to hamare paas do tarike. Maan liya main 5th record pe hoon. मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर किस पे है, फिफ्थ रिकॉर्ड पे है, और मैं सीधा टेंथ पे जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ. मैं सीधा थ्री पे आना चाहूँ, आ सकता हूँ, क्योंकि अब ये स्क्रॉलेबल है. अब इसको डायरेक्ट जंप कराने के लिए दो मेथड है रिजल्ट सेट के अंदर. एक होता है एब्सोल्यूट मेथड, उसमें आपको रिकॉर्ड नंबर देना होता है. एक होता है रिलेटिव मेथड, उसमें भी आपको रिकॉर्ड का पॉइंट नंबर देना होता है. दोनों काम कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट जो है ये हमेशा रूट से काम करता है. याद है आयो में एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ आया था, और रिलेटिव का मतलब होता है ऑलवेज फ्रॉम द करंट लोकेशन. मान लिया रिकॉर्ड पॉइंटर आपके रिकॉर्ड सेट में 25th रिकॉर्ड पे है, और आपने एब्सोल्यूट मेथड चलाया, उसमें 5 दे दिया, तो पहले ये फर्स्ट पे आएगा और फिर सीधा 5वे पे ले जाएगा. ऑलवेज फ्रॉम द रूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऑलवेज फ्रॉम द, तो 25 पे था आपने 5 दिया तो एग्जैक्ट 5 पे ले जाएगा, क्योंकि पहले वो फर्स्ट पे आएगा और फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा. लेकिन आपने यही रिलेटिव दिया, यही आपने क्या दिया रिलेटिव, और रिलेटिव में क्या दे दिया फिर से 5, रिलेटिव में फिर से क्या दे दिया 5, और 25 और 5 30, सीधा 30 पे ले जाएगा. माइनस 5 दे दो 20, माइनस 5 दे दो 20 पे ले आता है. ठीक है, तो रिलेटिव से आगे भी भाग सकते हैं, पीछे भी. एब्सोल्यूट से कहां जाते हैं, हमेशा रूट से मूव करते हैं. ठीक है, फिलहाल यही लिखा हुआ है. नाउ द रिजल्ट सेट इज इनसेंसिटिव to changes in a undergoing data source while the result set is open. That is, if a record in a result set is changed in a database by another thread or process, it will not be reflected in already opened result set of this type. आगे समझ में, उसमें कोई change नहीं होगा. Next, sensitive. Sensitive means again that the result set can be navigated both forward and backward. You can also jump to a position relative to current position or jump to an absolute position. The result set is sensitive to changes in an underlying data source while the result set is open. That is, if a record in a result set is changed in a database by another third process, it will be in already open result set of this type. समझ में आ गई कहानी? करो इतना हिस्सा जल्दी से, पहले जल्दी से इतना हिस्सा नोट डाउन करो, फिर आगे समझाता हूं. अब कुछ नेविगेशन मेथड डिस्कस करते हैं. ठीक, द रिजल्ट सेट इंटरफेस कंटेन्स द फॉलोइंग नेविगेशन मेथड. अब हमने स्क्रॉलेबल तो बना लिया, तो आगे पीछे मूव करने के, अपने कर्सर का स्टेटस चेक करने के सारे मेथड्स. रिमेंबर, नॉट ऑल मेथड्स वर्क विद, जरूरी है सारे नहीं काम करेंगे. ठीक है, व्हाट मेथड वर्क्स डिपेंड ऑन डेटाबेस, जेडीबीसी ड्राइवर एंड रिजल्ट सेट टाइप. एब्सोल्यूट पढ़ा दिया तुम्हें अच्छे से. ठीक है, फिर आएगा एब्सोल्यूट के बाद आफ्टर लास्ट,
ये रिकॉर्ड पॉइंटर को लास्ट रिकॉर्ड के आखिरी में लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 करते हुए भी तो आप आखिरी रिकॉर्ड के बाद में जाते हो, तभी तो वो टर्मिनेट करता है। फिर बिफोर फर्स्ट, जब रीड करना शुरू करते हो तो रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ रखना पड़ता है? बिफोर फर्स्ट, तभी तो पहली बार नेक्स्ट चलता है व्हाइल लूप में और वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाता है। ये मूव करने के हैं, नेक्स्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा सीधा सीधा उससे, फिर रिलेटिव तुम्हें बताया, ठीक। ये सारे हैं इसके कौन से मेथड्स, नेविगेशन मेथड। फिर आते हैं हमारे पास, द रिजल्ट सेट इंटरफेस आल्सो कंटेन्स अ सेट ऑफ मेथड यू कैन यूज टू इंक्वायर अबाउट द करेंट पोजिशन ऑफ अ रिजल्ट सेट, ठीक है। जरा देखें, गेट रो ये बताएगा करेंट, है ना, करेंट स्टेटस ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, वो इस समय कौन से रिकॉर्ड के ऊपर है। 10 दे देगा इसका मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ पे है, 10वें रिकॉर्ड पे। 5 देगा इसका मतलब कहाँ पे है, 5 पर, सिंपल। फिर आता है हमारे पास गेट टाइप, ये आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट सेट कौन सा है, सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है या फॉरवर्ड ओनली है, ठीक है। लेकिन देगा इंटीजर वैल्यू और इस इंटीजर को इन तीनों कांस्टेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, जिस इफ में जाएगा देन विल कम टू नो कि हमारा बाइट अभी रिजल्ट सेट कौन सा है। नेक्स्ट इज आफ्टर लास्ट, ये पता लगा के बताएगा क्या रिकॉर्ड पॉइंटर आखिरी रिकॉर्ड के बाद है या नहीं। फिर इज फर्स्ट, सिमिलरली इज लास्ट। तो ये कुछ हो गया हमारे पास कौन से मेथड, नेविगेशन मेथड, ठीक है। जरा इन्हें भी मारो टेपा थोड़ा थोड़ा, कहां से हुआ था हमारा नेविगेशन मेथड, करो इसे भी जल्दी से पहले। पूरा हो गया ना ये वाला कंप्लीट, यहीं तक पढ़ाया ना मैंने अभी तक, अब तुम्हें दे दूं प्रोग्राम आज के, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब भैया ऑनलाइन वालों के साथ बड़ी समस्या आएगी, जो काम ऑफलाइन वाले करते हैं वही काम ऑनलाइन वालों को करना पड़ेगा, फोटो खींचना पड़ेगा। चलते हैं गूगल ड्राइव पे, JDBC प्रोग्राम 1, बातें मत करो, रुक जा, एकदम इतनी बातें करते हो तुम लोग। अब फोल्डर अपलोड कर देता हूं, स्प्रिंग बूट में थोड़ी ना जाना है हमने, JDBC में आ जाते हैं। JDBC के अंदर JDBC प्रोग्राम 1 से अपलोड, से अपलोड, अब JDBC प्रोग्राम कहां गया, अपलोड नहीं हुआ, ये रहा गेट लिंक। अब भाई ऑनलाइन वाले भी फोटो ही खींच लो किसी दूसरे कैमरे से, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, कॉपी डन, जैसे ये बच्चे खींचेंगे ऐसे ही ऑनलाइन वाले भी किसी दूसरे कैमरे से फोटो फोटो खींच लो, ये पेस्ट। तो ऑनलाइन वाले भी इसकी फोटो वोटो खींच लो बेटा अच्छे से, आप भी खींच लो, और कल रिजल्ट सेट के सारे प्रोग्राम चलाएंगे अच्छे से, सारे काम करेंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे MySQL। अब ओरेकल तो तुम्हें आ गया, अब MySQL से कनेक्टिविटी, फिर पोस्ट ग्रे SQL से कनेक्टिविटी सिखाऊंगा। MongoDB से तो कराई दी थी मैंने जावा के प्रोग्राम से तुम्हें पहले ही, हो गया ठीक है जनाब, चलो ठीक है कल मिलते हैं। अच्छा कल तो तुम लोगों ने वहां जाना तुम कह रहे थे यार, क्या करें, देख लेना 10 बजे क्लास करने आ जाना, अगर यहाँ कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी मेरी मार्केटिंग कर देना वहां जाके, और क्या होगा वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, ठीक है चलो कर।